नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर व निगम के अधिकारियों ने पहला बूस्टर डोज लगवाया। वहीं निगमायुक्त ने अपना संदेश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग बूस्टर डोज लगवाएं। गौरतलब है कि भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 12 दल बनाए गए हैं, जिसमें 4 दलों ने 160 फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाए। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र वाले 30 लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए भिलाई 3 कन्याशाला में 97 हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया गया। जैसा आप सभी लोग को मालूम है कि केंद्र सरकार द्वारा आज से प्रिकॉशन डोज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं या हेल्थ वर्कर हैं, उनको फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में मान्यता देते हुए वैक्सीन लगाना है। तो पुलिस डिपार्टमेंट और नगर निगम के कर्मचारी और हेल्थ के कर्मचारियों के लिए निगम में हम लोगों ने 4 टीम लगाई है, और इस तरीके से 60+ के लोगों जो कोमोरबिड हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन चालू किया गया है, जो चरौदा में लगेगा। जैसे आंगनकाड़ी मितानिन कार्यकर्ता प्लस जो हमारा शुरू से रेगुलर वैक्सीनेशन चला आ रहा है उसके लिए 4 टीम लगी है, और तीसरा एक कैटेगरी है जो 15 से 18 साल के लोग हैं, तो उनके लिए भी गराज इस प्रकार 12 जगहों पर हमारे निगम क्षेत्र में वैक्सीनेशन हो रहा है, और वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करेंगे। लोगों से यही है, जिनके अभी भी डोज बचे हुए, जिनके सेकेंड डोज बचे हैं या जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई, उन सबसे निवेदन है कि जो वर्तमान में जो कोरोना का फिर से कहर जारी हो रहा है उसके तहत ये सारे वैक्सीनेशन डोज लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन और मास्क दो ही इसके यंत्र हैं बचाव के। तो सभी से निवेदन है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगाई वो फर्स्ट डोज लगाएं, जिनकी सेकेंड डोज अगर ड्यू है तो ड्यू लगवाएं, प्लस सारे फ्रंटलाइन वर्कर या 60+ के कोमोरबिड है उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी प्रिकॉशन डोज लें।